एक बार हम लोगों को देख लेने दीजिए, पूरा ऑर्डर आ जाने दीजिए। जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी और जब तक हम लोग एक एक शब्दों को नहीं देख लेते तब तक इस पर टिप्पणी करके करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है कि भाई जो दलितों को आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला ये क्रीमी लेयर का आशा है, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दलितों को आदिवासियों को ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव ऊंच नीच छुआछूत जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है और जो पहले से जो चलता है जो आरक्षण है हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, कहाँ से आ गया क्रीमी लेयर का तो मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग इस तरह का काम में लगे रहते हैं। लेकिन कैबिनेट में तो ये कहा जा रहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, कैबिनेट में ये बात कही गई है, कैबिनेट की बैठक में ये बात कही गई है। देखो एक बात समझ लीजिए, कौन कैबिनेट में ये सब झूठा मंत्री सब बैठ करके दिन भर बरगलाने का काम करता है, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये भाजपा के लोगों को सब लोग जानते हैं कि चाल चरित्र को। चलिए वक्त बिल को भी लेके कहा जा रहा है, जो बैठक आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपने वोट बैंक को साध रहे हैं, वोट बैंक को साधने की नहीं साधे हैं, नहीं साधे हैं, क्यों नहीं, कौन नहीं साधता है। और इससे पहले अति पिछड़ों प्रकोष्ठ की बैठक थी, उससे पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक थी, लगातार हर